बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद दफेसा पाकिस्तान से आपका होस्ट। दोस्तों, एज पर आवर कमिटमेंट आवर वीकली ट्रिप, कल हम जा रहे हैं अयोध्या नेशनल पार्क। अयोध्या नेशनल पार्क ये 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था और इस्लामाबाद से तकरीबन 82 किलोमीटर पर और 2.5 आवर्स के रास्ते पर है। और अयोध्या पार्क में देखने के लिए तीन जो चीज़ें स्पेशल हैं, इसमें एक है मोटो टनल जो पिछले साल एक्सप्लोर हुआ था। ये टनल जो है 130 ईयर ओल्ड है और पिछले साल इसको जो है GDA ने, गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको एक्सप्लोर किया था, इसको रेनोवेट करके फिर इसको जो है इको टूरिज्म के लिए पेश किया था। सेकेंड थिंग जो है ये अयोध्या पार्क में पाइपलाइन ट्रैक 1882 to 1900 जो ईस्वी में ये ब्रिटिश आर्मी ने इस्टेब्लिश किया था। आपको अपने आर्मी के जो यूनिट्स के मरी में होते थे इनको पानी देने के लिए, और ये इनको उसी एरिया से पानी के पाइपलाइन लेके आया था। उसी टाइम ये जो है ये पाइपलाइन इस्टेब्लिश हुआ था, इन्होंने जो ट्रैक बनाए थे अभी ट्रैक है। इसी ट्रैक को या इसी नेशनल पार्क को जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है ये इसको मॉनिटरिंग कर रहा है, बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। ओके, थर्ड थिंग इसमें चेयर लिफ्ट है, आप चेयर लिफ्ट में बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, फूड पार्क के उधर खाना खा सकते हैं। सो ये तीन चीज़ें हमें देखने हैं कल इंशाल्लाह, और तकरीबन सुबह हम निकलेंगे और अयोध्या नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करके आपके लिए अच्छा सा वेन्यू लेके आएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अभी मैं मौजूद हूँ कश्मीर चौक सरीना होटल के बिल्कुल सामने। दोस्तों, आज का हमारा ट्रिप है अयोध्या नेशनल पार्क। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बोट, इसमें मरी 32 किलोमीटर है, नथिया गली 59 किलोमीटर है, कोहाला 71 किलोमीटर है। घोड़ा गली पहुँच चुके हैं, ये है घोड़ा गली। और सो हमारा जो मंजिल आगे है, आप इसी बोट में आप देख सकते हैं अयोध्या के लिए हमें फिर लेफ्ट पे जाना है। ठीक है, यह है बिटबात नथिया गली और हमें लेफ्ट साइड पे जाना, यही हमारा रूट है, यही हमारा डेस्टिनेशन है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं रत्ती गली और बहुत ही प्यारा व्यू है और छलियाँ तैयार हो रहे हैं, छलियों के लिए रुके हैं। दोस्तों, अब सब पंजाब का एरिया इधर से ख़त्म होता है और इधर से फिर स्टार्ट हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा। अब हम अयोध्या नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं, माशाल्लाह आप देख सकते हैं और ब्यूटीफुल व्यू और पाइन के जंगलात, फ्रेश आबो हवा, प्यारा माहौल। सो दोस्तों, अब हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। इसमें अगर आपको लिफ्ट के लिए जाना है तो फिर इधर से आप ऊपर जा सकते हो, ठीक है, चेयर लिफ्ट के लिए। और ट्रैकिंग के लिए आप सीधा जो है ये पाइपलाइन ट्रैक के लिए, तकरीबन ये रास्ता सीधा जो ट्रैक पे जाता है। और अगर आपको टनल के लिए जाना है तो फिर आपको राइट जाना है। जा रहे हैं टनल पर, टनल से फिर हम ट्रैक पर निकलेंगे। तो ये पार्किंग है, इसमें अपनी जो सवारी आपकी होगी, व्हीकल, कार, बाइक, बस जो भी है, इसी पार्किंग पे खड़े होंगे। तकरीबन ऑलमोस्ट अब हम टनल पे पहुंचने वाले हैं। सामने एक छोटा सा बोट नज़र आए, इधर से हमें राइट होना है नीचे टनल के लिए। सो इट्स द एरिया ऑफ टनल और ये है टिकट घर। इधर से आपको टिकट लेना है, एडल्ट्स के लिए 20 रुपीज़, चिल्ड्रेन 10 एंड फॉरनर के लिए 500 रुपीज़। सो
सो अब हमने टिकट ले लिया है और ये तकरीबन 130 ईयर ओल्ड टनल है और ये एक्सप्लोर हुआ था पिछले साल। तकरीबन ये 300 मीटर के करीब, इसको कुछ कह रहे हैं कि 300 मीटर ये लंबा ट्रैक है। सो लाइटिंग शाइटिंग के इधर प्रॉपर बंदोबस्त किया गया है और बस कुछ कुछ जगहों से थोड़ा सा पानी का भी वो है, पानी टपकता है इधर। इस टनल से बाहर दूसरे साइड पर निकलने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, कंप्लीट अयोध्या नेशनल पार्क और फिर पाइपलाइन ट्रैक और फिर जो है मोटो टनल। यह है पाइपलाइन ट्रैक। सो अब हम प्रॉपर ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं पाइपलाइन ट्रैक के ऊपर। और जगह जगह इंस्ट्रक्शन लगा दिए गए हैं बोर्ड पे, अच्छा है। और डिफरेंट जो है आर्मी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें इंस्ट्रक्शन पहले ज़माने के हैं शायद, वो भी इधर सेमेंट के ज़रिए और ये चट्टानों के ऊपर कुनिंदा कर दिए गए हैं। एक छोटा सा वाटरफॉल भी है, बट बड़ा प्यारा सा छोटा सा वाटरफॉल है इधर, काफ़ी नीचे तक इसके डिपते हैं। Thank you.
ओके, इसमें ऐसे इसी जंगल में ये स्पेशियस हो सकते हैं, बल्कि हो सकते नहीं होंगे, और इनके बारे में ये इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। अब हम जो हैं, ये तकरीबन जो है 4 किलोमीटर का ट्रैक है और 1 किलोमीटर हम कंप्लीट कर चुके हैं और 6 किलोमीटर और करना है। इट्स द हिस्ट्री ऑफ दिस पाइपलाइन ट्रैक। ये जो ट्रैक बनाया गया था पाइपलाइन ट्रैक, ये 1892 to 1890 बाई ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट ने बनाया था। एक्चुअली को स्पेशली जो मरी में जो इनका रेजिमेंट होता था, इसको पानी देने के लिए ये ट्रैक स्पेशली बनाया गया था। तो तकरीबन ये जो है 4 किलोमीटर का ट्रैक है और ये अयोध्या नेशनल पार्क पे ये मौजूद है। ये रेस्ट प्लेस है, ऊपर रेस्ट प्लेस बनाया गया है, उधर जाकर रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और ये कुछ पौधों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और साथ ये रेस्ट एरिया है और डस्टबिन है। और अब बिल्कुल इसी ट्रैक के हम बीच में पहुंच चुके हैं, क्योंकि 4 किलोमीटर है, इसमें हमने 2 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया है और मज़ीद हमें 2 किलोमीटर और कंप्लीट करने हैं। सो इट्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन बटरफ्लाई, तितलियों से मुतलक जो इंफॉर्मेशन है, इधर डिफरेंट कलर के और डिफरेंट एक्साम के सूरत जो है बटरफ्लाई भी इसी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। सो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इधर, एक तो इधर जो अथॉरिटी की तरफ से माशाल्लाह बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन जो इस नेशनल पार्क के बारे में फरहम किया गया है, और साथ साथ डिफरेंट जंगली हयात और प्लांट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। और साथ मुझे खुशी इस बात की हुई कि इधर सफाई का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है। नेशनल पार्क में सूखे और दरख्त और लकड़ी की अहमियत यह है कि ये इसी जंगल की खूबसूरती है, और इसको इधर से गैर कानूनी तौर पर उठाना भी मना है, क्योंकि आप देख सकते हैं जगह जगह लकड़ियाँ और दूसरे जो है प्लांट्स पड़े हुए हैं ड्राई होके और गिरे हुए हैं। इट्स जस्ट 1 किलोमीटर रिमाइनिंग, क्योंकि वो 3 किलोमीटर हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब 1 किलोमीटर और है। हमारे तकरीबन 4 किलोमीटर कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा आगे जाना है, एंड तक जाके देखना है कि एंड पे क्या है। 4 किलोमीटर इस ट्रैक के कंप्लीट हो गए और अब हम निकल आए हैं डोंगा गली में, और फिर सेम इसी रास्ते हम और फिर इसी रास्ते हमें वापस भी जाना है, इधर से निकलेंगे। अच्छा, ये शॉप है इसके अंदर, और इसमें डिफरेंट सोवेनियर्स और डिफरेंट चीज़ें रखी गई हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी इनिशिएटिव है वाइल्ड लाइफ की। तो ये सेल पर है, आप इधर से ख़रीद भी सकते हैं, लेके जा सकते हैं डिफरेंट सोवेनियर। दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं अयोध्या, और अब चेयरिंग लिफ्ट के लिए हम जा रहे हैं। ओके, अब हम जा रहे हैं चेयर लिफ्ट की तरफ,
जी तो भाइयों, अब हम ये चेयर लिफ्ट पे आ चुके हैं। काफ़ी लाइन में लगने के बाद एटलीस्ट हमें टिकट मिल गया और अब हम बैठ के ऊपर जा रहे हैं स्टेशन की तरह। और चेयर लिफ्ट का जो टिकट है एडल्ट के लिए है 350 है और बच्चों के लिए 220 है। तो ये आपको व्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं नीचे ऊपर चेयर लिफ्ट और नीचे फूल और परिंदों की आवाज़ें और माशाल्लाह और बहुत खूबसूरत मंज़र है। दोस्तों ये सबसे टॉप व्यू है जो मैं जब ऊपर आते हैं सबसे ऊपर वाला ये टॉप व्यू। तो अभी वापस जा रहे हैं हम चेयर लिफ्ट पे, बेस कैंप की तरह इधर से ऊपर आए थे अभी इधर से वापस नीचे जा रहे हैं। आई होप तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है वापसी का, भी 5 मिनट में पहुंच जाएगा।